एंड रिमेम्बर, आप ऐसे बीट्स के साथ प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज का गौर और फिक्र रखना होगा, वो है आपकी ऑडियो मेजर, और उस ऑडियो के साथ फिर आपको वीडियो को, इमेजेस को फील करना होगा कि कहाँ पे क्या सेट किया जाए। और सबसे पहले जब भी आप ऐसा कुछ भी काम अंजाम देने लगो तो सबसे पहले आप अपने ऑडियो को सही से सुनो। ऑडियो को सही से सुनने के दो ही तरीके हैं, या तो आप फ्लैट कलर को फोकस करो, एक सिंगल ब्राइट कलर जैसे वाइट, या तो आप आंखें बंद करके उसको फील करो साउंड को। आप छत को देख सकते हो अगर आपको फील करना है साउंड। तो हम एक ऑडियो ट्रैक, हमारे पास हमने रॉयल्टी फ्री लिखा है और हमारे पास सिनेमैटिक साउंड है रॉयल्टी फ्री। कुछ भी करने से पहले साउंड का जानना, साउंड का सुनना जरूरी है। सुनते हैं। सिर्फ इन तीन साउंड इफेक्ट से खेलते हैं। कौन सा वाला? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ऑब्वियस हमें ये पूरा ही डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब भी ऐसा हो तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी हाई रेजोल्यूशन हो आप उसे डाउनलोड करो। तो हम शुरू से शुरू करते हैं इनको, ताकि ये शुरू से लोड हो। और यहाँ लिखते हैं 5S, और कोशिश करेंगे कि जितना हाई रेजोल्यूशन हमें मिल सके। क्या वहां से कर लेते हैं? मैंने ये शॉर्ट्स में देखा था, ये वाला तरीका मैंने ये अपना लिया। यहां से ले लेते हैं, सेव फ्रॉम दैट। और हमें कॉपी करना है ये लिंक और यहीं पे पेस्ट करना है। मोर में देखो, यहाँ पे साउंड लेस है, बड़ी क्वालिटी, तो हमें मैक्सिमम 720 मिल रहा है। और एक बात याद रखना, जितनी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अप होगी, ऑडियो बिटरेट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम वही 5S कर लेते हैं, वहाँ पे हमें एटलीस्ट 1080 तो मिल ही रहा है, बातें नहीं लैब में, तो 1080। गेट लिंक, ऐसे हमने डाउनलोड कर लिया कुछ भी। और हम वहीं चले गए अनस फ्लैश पे, और हमने कहा डार्क वीडियोस, क्योंकि हमारा टेंशन वाला साउंड है, थोड़ा टेंटेटिव है, तो हमें कुछ वैसी वीडियोस भी चाहिए होंगी। और डार्क तो ऐसी खास नहीं मिल रही, एक ये देखते हैं, या कहते हैं डार्क वेब वीडियो, और डार्क वेब भी नहीं मिल रही। लेट्स ट्राई हैकर, ताकि उन पे सूट करे, वो फील हो।
ये तो फोटोस आ रही हैं। पिक्सबे किसी एक पे वीडियोस भी होती हैं, ये रही पिक्सबे पे। और हमने कहा डार्क, बाकी सारे टैब्स अनवांटेड बंद करते हैं। दिस इज नाइस। और कुछ वीडियोस को देख लेते हैं क्विकली। और इस बात का भी आपने जहन में रखना है, लाइक बीइंग अ डायरेक्टर विद अ विजुअल ऑफ डायरेक्टर, कि वो वीडियो क्या उस ऑडियो को सूट करेगी या वो ऑडियो उस वीडियो को सूट करेगा, और उनके हिसाब से फिर आपने लेना होता चीजों को। हम इनका ऑडियो हटा सकते हैं, ऑलरेडी एक ऑडियो हमारे पास डाउनलोडेड है, सो क्वाइट बैड है, फ्री डाउनलोड करते हैं और जितना बड़ा साइज हो सके ले लो, ताकि आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप हो, ये भी बेहतर है। नहीं ये अच्छा है, लाइक फ्रीजिंग मोमेंट, इन्हें भी डाउनलोड करते हैं। ऑडियो वीडियोस सब है। अब खोलते हैं प्रीमियर, और सबसे पहले जब तक प्रीमियर खुल रहा है सारी चीजों को आप गैदर कर लो, कंट्रोल एक्स, और हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया एंड वी सेट SFX वी फॉर वीडियो। ओके, जो मेजर है इन पे लिखते हैं ST साउंडट्रैक, और बाकी सारी वीडियोस हैं हमारी प्रीमियर। और ये कह रहे हैं कि कुछ प्लगइन कैश, ओके या डू दैट। और जब भी आप एडिट पे बैठे हुए हो तो आपको ज़रूरी है या तो प्राइम स्पीकर्स पे काम करो, प्राइम स्पीकर्स जो चैनल बेस्ड होते हैं, या फिर हेडफोन्स पे जिन्हें इस टर्म में एयर प्लग्स भी कहते हैं, तो एयर प्लग्स पे करो। और हमने यहाँ लिखा SFX वीडियो, कोई भी नाम दे सकते हो, मेक श्योर आपको GPU या CPU जिस पे भी रेंडर करना है, एंड वेयर वी वांट हिम वी कैन एडजस्ट हिम और वी कैन ब्राउज वेयर वी वांट आवर स्टाफ टू बी, लाइक SFX यहाँ पर सारा प्रोजेक्ट डेवलप हो। ओके, अब आपके पास ये प्रीमियर आ गया और आप ऑलरेडी फेमिलियर हो प्रीमियर से, और मैंने चीज़ों को चेंज किया हुआ है अपने हिसाब से, आप अपने UI को अपने हिसाब से चेंज कर रहे होते हो। प्रोजेक्ट विंडो बहरहाल यहाँ पर है, और हमें मालूम होना चाहिए हमें किस रेजोल्यूशन साइज पे काम करना है, 1280, 720, जो भी। और अगर आप खुद डिफाइन करना चाह रहे हो तो यहीं पे न्यू सीक्वेंस, जैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स में न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हो वैसे न्यू सीक्वेंस। And he gonna ask us क्या कौन सी चाहिए, 1080 25 720 24
एंड सो ऑन. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर अस. 720/24 ही चाहिए यूजुअल. ओके, ये आपकी सीक्वेंस आ गई. ये जो चीजें हैं ये सारी आप मैस नहीं करो. आप यहीं पे प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक, न्यू बिन इज फॉर फोल्डर एंड वी सेट फुटेजेस. हम ऑफिशियली वीडियो नहीं कहते, फुटेज कहते. और हमने एक और बिन क्रिएट किया जहां लिखा SFX मींस साउंड इफेक्ट. और बिन को खोला, फर्स्ट फुटेज को खोला और सारी की सारी वीडियो जो यूज करने वाले हैं हम वो यहाँ ले गए ऐसे. और प्रोजेक्ट पैनल में देख सकते हो मैस नहीं है. और फिर SFX में गए, ऑब्वियस यहाँ पे ये वीडियो ही है. और सॉरी नॉट दैट वन, दिस वन. ठीक है, आपके पास साउंड ट्रैक आ चुका, आपके पास वीडियोस आ चुकी. सबसे पहले अपने साउंड ट्रैक को फिल्टर कर लो. तो चलते हैं SFX में, इन्हीं को लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. तो देखो आपसे ये फौरन कहेगा कि क्या सीक्वेंस को चेंज करूं, क्योंकि जो आप वीडियो लेके आ रहे हो वो 1280 का नहीं है. हमने कहा कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, कि जो मैंने ली हुई है वही रखो वरना चेंज करो. ऑब्वियस मुझे ये चाहिए, लेकिन इससे बेहतर एक और वे है. डिलीट करते हैं और इन पर डबल टैप करेंगे तो आपका सोर्स मॉनिटर ऑन हो गया. और सोर्स मॉनिटर इनको यहाँ ले आता है. और सोर्स मॉनिटर में आपके पास देखो पहले आ रहा है वीडियो, ड्रैग वीडियो ओनली या ड्रैग ऑडियो ओनली. तो ड्रैग ऑडियो ओनली, तो अब सिर्फ ऑडियो आएगा. समझ आ रही है? लाके बिल्कुल स्नैप करो, ऑल्ट प्रेस करके इस A1 या A2 जिस पे भी रख रहे हो, ऑल्ट प्रेस करके राइट तो सॉरी स्क्रॉल अप करोगे तो ये आपको ऑडियो का वेव फॉर्म बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा. और ऑल्ट स्क्रॉल अप तो आपको यहाँ से भी ये मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा. और आप ऑलरेडी साउंड की दुनिया में बहुत इन हो, आपको अंदाज़ा होता है वेव फॉर्म को देख के कि कहाँ पीक डेवलप हो रहा है और कहाँ पीक डैड हो रहा है, यानी कि कहाँ पीक की बॉर्न लेटेंसी है और कहाँ पे डेथ लेटेंसी है, आपको अंदाजा हो जाता है. और ये जो बीच में एक वाइट लाइन आ रही है ये आपका ऑडियो लेवल है. और ये जो एक और दो ये सेम आ रहे हैं, आप देख सकते हो राइट और लेफ्ट, ये दो चैनल्स हैं. एक चीज का फर्क वाजे रखो अपने पास, आपके पास एक होता है मोनो, एक होता है स्टीरियो. और कोई मुझे समझा सकता है मोनो स्टीरियो में फर्क क्या है? यूजुअल फर्क क्या है? साउंड बेटर चलो सही है, एक वाजे फर्क क्या है, क्या होता है, क्या एक डेफिनेशन दोगे जिससे मोनो और स्टीरियो अलग हो जाएगा? गाने तो सब सुनते हो, गानों की थोड़ी नो हाउ भी होगी. कभी डाउनलोड करते होगे तो आप अच्छी क्वालिटी 512/320 kbps का डाउनलोड करते होगे. मैंने वो नहीं डाउनलोड करते. देखो मोनो मीन्स सिंगल, स्टीरियो मीन्स डबल. इट डजेंट मीन कि एक स्पीकर होगा तो मोनो है, दो स्पीकर होंगे तो स्टीरियो है. That means अगर आपके पास 10 स्पीकर भी हैं और अगर आप मोनो साउंड चलाओगे, मोनो ऑडियो चलाओगे, तो 10 के 10 स्पीकर में से सेम एक आवाज आएगी. कुछ चेंज नहीं होगा. लेकिन अगर आप स्टीरियो साउंड प्ले करोगे तो आपके हर स्पीकर में से एक अलग आपको फील मिलेगा, एक अलग साउंड इफेक्ट मिलेगा. और एग्जाम्पल को और मिनिफाई करते हुए, अगर वो 10 स्पीकर को एक लाइन में रख दो और अगर आप एक सिंपल साउंड ट्रैक ट्राई करो जैसे बुलेट फायर, मोनो एक ही वक्त में 10 के 10 स्पीकर से सेम फायर की आवाज़ आएगी. लेकिन स्टीरियो में फायर जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हो रहा है आपको फील होगा कि वो ऑडियो ट्रैवल हुआ है.
पहले स्पीकर से 100%, फिर दूसरे से 100, तो पहले से 80% हो गई, तीसरे की 100 हुई तो दूसरे की 80 और पहले वाले की 60 हो गई, और वो ख़त्म होती चली जाएगी, और एक वक्त आएगा कि पहले वाला स्पीकर ज़ीरो हो जाएगा और हो सकता है 8 स्पीकर पे वो 100% वॉल्यूम हो और आपको फील होगा कि बुलेट ट्रैवल हुई है। दैट इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन मोनो एंड स्टीरियो, राइट। तो ऐसे ही ये दो चैनल जो देख रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये स्टीरियो ट्रैक है, अगर ये एक होता तो ये वो मोनो ट्रैक होता, ठीक है। तो वी गो विद देम, और अभी चलते हैं पीक्स को देखते हुए, सुनेंगे तो सही, पीक्स को देखते हुए। और मैं इस वक्त इस पैनल में टाइमलाइन में वन से पहले आपकी हाइफ़न की प्रेस कर रहा हूँ ताकि बड़ा हो जाए हमें दिखे, ऑल्ट स्क्रॉल अप, ऑल्ट स्क्रॉल अप, और अब यहाँ से ऑडियो को फील करते हैं, सुनते हैं। समझ आ रही है? सी फॉर रेजर टूल, और रेजर टूल हमने देखा था लास्ट सेशन में भी, और रेजर टूल क्या करेंगे, जहां पे भी रखूंगा क्लिक करूंगा वो कट हो जाएगा। और वी फॉर सिलेक्शन टूल, यूजलेस पार्ट डिलीट है। और अब हमें यहां पे थोड़ा सा प्रिसाइसली फोकस करना है कि कहां पे ये बीट पहला इफेक्ट, पहला साउंड इफेक्ट चेंज हो रहा है, ताकि हम वहां पे उस सर्टेन पर्टिकुलर टाइम पे अपनी वीडियोस को डिफाइन करें। तो हमने फिर से प्ले हेड रखा, नहीं मालूम कहाँ पे, अब मैं बार बार रोकूं, बार बार ऐसा करूं, इससे अच्छा है आपके आफ्टर इफेक्ट्स में भी और आपके यहाँ पे भी मार्कर होता है, वहां पे स्टेरिक्स से आता है, यहाँ पे एम से आएगा, तो आप अगर एम प्रेस करोगे तो एक मार्कर लग जाएगा आपके टाइमलाइन में, लेकिन अगर आपका ऑडियो सिलेक्ट होगा और फिर अगर आप एम प्रेस करोगे तो ऑडियो पे मार्कर लग जाएगा, और ये मार्कर आपके साथ रहता है ऑडियो में। तो मार्कर कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपको मार्क कर रहा है कि कहाँ पर क्या है, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके मार्कर पे या मार्कर पे क्लिक करोगे तो आपका प्ले हेड स्नैप हो जाता है, तो आपको पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो पीक्स मीन्स, ओके दिस इज द वन, हम मार्कर को ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले तो एक यूजलेस मार्कर लगाया हुआ था, और ये वाला मार्कर आप राइट क्लिक करके देख सकते हो, आपके पास अगर मार्कर आ रहा है कहीं पर तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, वरना आगे जाके रिमूव हो जाएगा। और फिर सेकंड ट्रैक के लिए यहाँ पे फील हो रहा है हमें वेव फॉर्म दिख रही है, तो आप जूम करके भी देख सकते हो ताकि आप बहुत अच्छे से फोकस कर सको। ओके ये चाहिए, ये बीच का ऑडियो हमने डिसाइड किया था नहीं ले रहे, तो यहां पे कुछ मुझे ब्रेक दिख रहा है। ओके एंड दैट इज अ वे टू जस्ट कैप्चर द ऑडियो। मार्कर सेट करते हैं, फिर पता चल जाएगा कि आप कहाँ क्या करना है। और अगर हम सी प्रेस करें रेजर टूल से कट करें, और यहीं पे हमें कहीं दिख रहा है, और देख लेते हैं ये वाला एरिया नहीं चाहिए, और हमने इनको भी डिलीट कर दिया। अब देखो ऑडियो में एक चेंज आएगा, पहले तो ये जो साइड, ये जो स्पेस खाली हुआ इसे रिपल कहते हैं, राइट क्लिक करके रिपल को डिलीट कर सकते हैं। और अब देखो, और अगर दूर से सुने यहीं पे, इस बार सुने बिना हमने समझते हुए चीजों को फील करते हुए अलग कर लिया, ताकि आपको जो जो साउंड इफेक्ट चाहिए आप वो बोले। और ये भी एक अच्छा ट्रैक लग रहा है मुझे, एक ये वाला
नॉट दिस वन। और ये वाला साउंड इफेक्ट हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में भी सुना है बहुत दफा। तो जितने भी हो गए अभी वे बैड। अब चलते हैं हम अपने फुटेज में और पहला वाला देखते हैं कि क्या होना चाहिए। या दो इफेक्ट हैं, दोनों को भी पहले अपार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा फोकस करना होगा। ओके, अच्छा मार्कर लगा हुआ है और यही देख रहे हो मार्कर को भी स्नैप कर रहा है रेजर हमारा। और अब सोचते हैं कि पहले क्या सूट करेगा। लेट्स ट्राई विद द हॉलवे। देख रहे हो हॉलवे का अपना ऑडियो भी ट्रैक है। नाउ नॉट गुड, डबल टैप करो, ड्रैग वीडियो ओनली। ऑलराइट, अब ट्राई करते हैं। दूसरा हमारे पास ऑडियो आ चुका है, इनको कट कर लो। ओके कर सकते हैं, या रोल बैक कर लो। ओके ये भी कर सकते हैं, कट ही हो गया। या फिर आप राइट क्लिक करो और स्पीड एंड ड्यूरेशन देखो। अब आपके पास है स्पीड, लाइक अगर हम कहते हैं 30%, तो देखो कैंसिल करते हैं और फिर दिखाता हूँ। अभी आपके पास है 6 seconds 21 frames और अगर हम 30% कह रहे हैं तो ये 22 seconds का हो गया, यानी कि स्लो हो गई है वीडियो। वीडियो बढ़ जाएगी, मींस हमें 100 प्लस वैल्यू करनी होगी ताकि वीडियो को शॉर्टन और स्पीडी कर सकें। व्हाट इफ 130, तो ये 5 seconds 6 frames की हो गई। ओके ओके, अभी स्टिल है हमारे पास स्पेस। और यहाँ देख रहे हो हमारे पास कितना सारा ब्लैंक एरिया, तो रिपल डिलीट करते हैं ताकि 0 frames से हम काम करें और हमें पता हो कि हमें 4 seconds 1 frame की वीडियो ट्रैक चाहिए। तो इनको राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन, और यहाँ से आप बढ़ाते जाओ, आपको दिखता चला जाएगा। लेट्स से 140, तो 4 seconds 21 frames, 160, वे बैड, थोड़ा सा बच रहा है। नो प्रॉब्लम, टेक अ लुक। लेकिन ये दिख रहा है, शुरू से दिख रहा है। नो इट्स नॉट गुड। चलते हैं जरा इफेक्ट्स में और यहां से लेते हैं डेप्थ। टू ब्लैक इसी वीडियो के स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं। हाँ सो स्लो, जूम करते हैं, डेप्थ पे क्लिक करते हैं और हमने कहा आप हो सपोज 6 frame के। तो अब दूसरा है, ऑलराइट, तो यहां से इनको इतना रोल बैक करना मुनासिब भी था। और इन्हीं को लेते हैं, अगर हमने लास्ट सेशन में देखा था हम कलर्स के साथ भी प्ले कर रहे थे। कलर्स के लिए कलर यहां पे आपके पास एक्सपोजर भी है, आप एक्सपोजर देख सकते हो। इवेंचुअली अगर यही बेसिक करेक्शन में देखें तो आपके पास टेम्परेचर और एक्सपोजर एनिमेट भी हो सकता है। लेट्स ट्राई दिस। यहां पे हमें बूम करना है। ये डेप इस वक्त यूजलेस हो रहा, डिलीट किया, इनको लिया। और क्या अगर हम लुमेट्री में एक्सपोजर को नेगेटिव कर दें, ऐसे ये एनिमेशन की लग गई। ऑब्वियस फर्स्ट पे भी आके हमें की डिफाइन करनी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 keys लग गई हैं और आप चाहो अगर अपनी ही की पे जंप करो, ऐसे ही रहने दो 1 frame, थोड़ा सा एक्सप्लोड किया लाइक
और यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको और भी डार्क करेंगे और अपने बीट्स के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ बीच में हमने एक की लगाई, कुछ फ्रेम बाद इन्हें कम किया और फ्रेम बाद इनको बढ़ा दिया और फिर हल्का सा रैंडमाइजेशन और ट्राई करते हैं फिर से। जैसे करना चाहो। एक और चीज, यहीं पे देखो आपकी ओपेसिटी भी आ रही है। ओपेसिटी पे ऑलरेडी एनिमेशन लगी हुई है, की एक्टिवेट की एंड वी सेट 0 और नेक्स्ट की कौन सी थी, वी कैन सी ये वाली। जंप करते हैं एंड टेल हिम फॉर 100% और आप चाहो तो वो इस की पे भी ला सकते हो। तो अब क्या होगा, समझ आई? सेकंड वीडियो लेके आते हैं, ये तो इफेक्ट्स है। ओके, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट विंडो की तरह, एडिटिंग में चलते हैं, फुटेज। अब दूसरी ऑडियो को फील करते हैं, टाइम का फील आ रहा है, ये वाला लेता है, ड्रैग वीडियो ओनली। और ये वीडियो बहुत सारी लंबी है, कहाँ राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन, व्हाट इफ वी से 400, ऐसे। अभी देखते हैं ये क्या करता क्या आई है। हमें तो इतना चाहिए, ये अभी भी बहुत सारा है। राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन, ट्राई 800, वे बैडर, वी आर जस्ट नियर टू हिम। ओके, अब दूसरी वीडियो लेके आते हैं और इतना रोल अप कर भी सकते हैं, आप कट कर सकते हो जो चाहो। अब क्या है, ये वाली वीडियो ट्राई करते हैं, ड्रैग वीडियो ओनली। फिर इनको अब फील करो, हर चीज की स्पीड ड्यूरेशन भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम इनको भी कहते हैं 1000% फिट आके बैठा है, लेकिन क्या ऑडियो स्लो डाउन हो रहा है और वीडियो तेज भाग रही है ना, नॉट गुड, डिलेड है। हम इनको लेते हैं और फिर डिफाइन करते हैं और उतनी लेंगे जितना ऑडियो चाह रहा है। थोड़ा सा स्पीड से स्लो हो रहा है, थोड़ी स्पीड दिखाते हैं फिर स्लो दिखाते हैं। और उसके लिए मैंने सोचा इतनी वीडियो स्पीडी हो, इतनी कट की वीडियो, और इनको राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन एंड से 300%, सपोज यू गोना बी फास्ट, और राइट क्लिक करके रिपल अप नहीं हो रहा क्योंकि नीचे कंजक्टेड है, तो हमने इनको ऐसे ही अटैच कर दिया। ओके, सॉरी, इन्हें और करना होगा 600, और फिर इनको अटैच करते हैं एंड लेट्स सी। थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, ट्राई मोर स्पीड एंड ड्यूरेशन। अच्छा, कहां तक फील करते हैं पहले। अच्छा, शुरू में ही है यहां से, और राइट थोड़ा सा और मैंने मार्कर एक सेट कर लिया ताकि मुझे पता हो कि यहां पर स्लो होनी चाहिए। और राइट, स्पीड एंड ड्यूरेशन ट्राई 1000 और 900 और अराउंड। ओके, 1000 वुड बी ग्रेट फॉर दिस थिंग, 1000
और अभी और करते हैं थोड़ा सा ट्राई 1400, थोड़ा ज़्यादा हो गया, नॉट बैड, रखते हैं और ट्राई करते हैं। ओ, फ्रेम फंस गए, फ्रेम ओवरलैप हो रहे हैं, कंट्रोल जी, अब देखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई, थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो कंट्रोल जी, और अभी जहां तक चाहिए कट करते हैं और ये वाली वीडियो भी डिलीट करते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, और यहीं से इनको राइट क्लिक, स्पीड, और 600 की जगह 100 कहा ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अच्छा, इस वक्त स्ट्रेस आ रहा है, ये लोड नहीं कर पा रहा, तो फिर एक दो दफा देखो वरना दिल पे हाथ रखो और एंटर दबाओ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा कंप्यूटिंग के लिए जो रेंडर करेगा प्रीव्यू। एंड और इसने फॉरेन प्रीव्यू दे दिया, सी प्रेस करके इन्हें भी हमने डिलीट किया, और अब क्या है ऑडियो, ये कौन सी वीडियो है, चलो यही ले लेते हैं अभी वक्तन। नो, डबल टैप, वीडियो रखते हैं। कट करते हैं, इतनी ही इनफ थी, और कोई वीडियो है हमारे पास इस रेन। ओके, ये वाली ये वाला क्या करना है, ओके रख देते हैं, फिर लेके आते हैं, सॉरी, डबल टैप, ड्रैग वीडियो ओनली, ऐसे एक काम करते हैं, यहां तक पहले इनको राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन, एंड वी सेट 800, लेट्स ट्राई, और यहीं से इनको कट भी कर लिया, ये वीडियो नहीं चाहिए, ऐसे और इसी वीडियो को लिया, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी, राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन, एंड वी सेट रिवर्स स्पीड, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में रिवर्स करते हैं, ट्राई हिम। फील नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, फील लेने के लिए हल्का सा फील दो, और हमने कहा 100% और हल्का सा फील, और जहां तक चाहिए वहां तक रखते हैं, इनको डिलीट करते हैं, एंटर। थोड़ा सा स्पीड को और स्लो कर देते हैं, राइट क्लिक, ड्यूरेशन, ट्राई 50%, क्रॉप भी कर देते हैं, नहीं ज्यादा हो गया, और 70%, यहां रखते हैं इसको, और ये जो लास्ट वाला है समर,
लव फिल्म्स, इस सम अप को रखते हैं सर और बाकी सारे डिलीट। और इस सम अप में इन सभी को जो जो है हमारे पास, अगर हम राइट क्लिक करें तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है नेस्टिंग का। नेस्ट, नेस्ट मींस प्री कॉम्पोजिशन, नेस्ट और नेस्टेड सीक्वेंस हो गई प्री कॉम्प। और ऑल्ट प्रेस करके हमने कॉपी निकाली, राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन रिवर्स 800, नहीं सेक्शन रेट थोड़ा सा और 500, थोड़ा सा और 450, ओके वे बेटर। और ये रेड हो गई तो एंटर प्रेस करते हैं। अब देख रहे हो रेंडर कर रहा है प्रीव्यू ताकि वो स्मूथ एक दिखा सके। कितना सिंपल है। और हल्का सा इफेक्ट देने के लिए हम गए अपने इफेक्ट्स में और डिप टू ब्लैक एंड पर रख दिया। और इन्हें हमने एक सेकंड तो नहीं, हमने कहा आप हो जाएं सपोज 10 फ्रेम, या फिर जहां साउंड खत्म हो रहा है ना, मैं यूजुअल ये नहीं लगाना चाहूंगा, मैं यहीं पे इसको फोल्ड कर दूंगा ताकि एकदम से ऑफ हो जाए। और अब देखते हैं प्रीव्यू प्ले। अगर ऐसा फील हो रहा है हेलो जी, थोड़ा सा और कर लेते हैं 449 से 500 बेहतरीन। इजी, आसान था, चीजों के साथ सिर्फ चीजों को सेट करना। और जब ये हो जाएगा तो आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा, ट्राई करें।